अप्रोक्सीमेट लास्ट 5 ईयर्स में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की इंसेन ग्रोथ और पॉपुलरिटी का ग्राफ इंडिया में तेजी से बढ़ा है। आई थिंक इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है साउथ फिल्म इंडस्ट्री का धमाकेदार एक्शन, इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। और सेकेंड रीजन बिहाइंड साउथ एक्ट्रेस जो कि अपने स्टाइल और ग्लैमरस लुक एंड फैशन सेंस के कारण इन्हें साउथ इंडिया में ही नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस भी काफी पसंद करती है। इस वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो अपने वन ऑफ द फेवरेट साउथ इंडियन एक्ट्रेस की बिकिनी लुक और लाइफ स्टाइल के बारे में अनसुनी बातें। क्या आपको पता है साउथ की कौन सी एक्ट्रेस को गूगल ने नेशनल क्रश का टाइटल दिया? अगर तुम लोगों को मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताओ। Now find out who is the number one hottest South Indian actress. पूजा हेगड़े जो कि एक भारतीय मॉडल और एक्ट्रेस है। पूजा ने वर्ष 2010 में मिस यूनिवर्स इंडिया की सेकंड रनर अप रह चुकी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुगमुदी से की थी। पूजा ने डीजे अरविंदा समिता वीरा राघवा महर्षि गडल कोंडा गणेश हाउसफुल 4 अल वैकुंतुपुर मुलु जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम किया है। इन फिल्मों में अपने किरदार से पूजा ने काफी पॉपुलरिटी बटोरी। पूजा ने हिंदी फिल्मों में फिल्म मोहनजोदड़ो से डेब्यू किया। पूजा इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवीज में बिजी है। पूजा हेगड़े प्रभास की फिल्म राधे श्याम के अलावा सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में दिखने वाली है। इसके अलावा अदाकारा अखिल अक्किनेनी के साथ तेलुगु फिल्म मोस्ट एलिजिबल बैचलर में भी नजर आएगी। तमन्ना भाटिया, क्या आपको पता है कि तमन्ना को उनके फैंस ने मिल्की ब्यूटी का टाइटल दिया है बिकॉज ऑफ हर मिल्की व्हाइट स्किन एंड स्टनिंग लुक। तमन्ना ने अपने करियर की शुरुआत हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से साल 2005 में की थी। ये फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई लेकिन तमन्ना के टैलेंट को पहचान मिलने लगी थी। इसके बाद वे साउथ की कई फिल्मों में नजर आई। तमन्ना ने तेलुगु फिल्म श्री से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। तमन्ना ने अब तक अपने करियर में इंडिया की अब तक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी बाहुबली सीरीज, अयान, रेचा, F2, फन एंड फ्रस्ट्रेशन, 100% लव जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर चुकी है। शी इज द वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द साउथ इंडियन सिनेमा। राशि खन्ना जो की गॉर्जियस एक्टर के साथ साथ एक सिंगर भी है। राशि ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म उल्लू गुसाल गुसाल दे से की थी। राशि ने कई कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म जैसे कि बंगाल टाइगर, सुप्रीम, जय लव खुश, थोली प्रेमा, इमाई का नोडियल, वेंकी मामा, प्रति राजू पांडे जैसे फिल्मों में काम किया है। काजल अग्रवाल, बाहुबली एक्ट्रेस प्रभास की गर्लफ्रेंड रह चुकी काजल अग्रवाल बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस है। बावजूद इसके बॉलीवुड में इनका जलवा नहीं चल पाया। हिंदी फिल्मों में भले ही नाम पैसा नहीं मिला लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें माला माल कर दिया। काजल ने 2004 में बॉलीवुड की फिल्म क्यों हो गया ना से डेब्यू किया जो कि काफी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। यहां से काजल की साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जर्नी शुरू हुई। इनकी फर्स्ट साउथ इंडियन मूवी लक्ष्मी कल्याणम जो कि 2007 में रिलीज हुई थी, इन दी सेम ईयर उन्होंने तेलुगु फिल्म बॉक्स ऑफिस हिट चंदा मामा में अभिनय किया जिसके लिए उन्हें काफी सराहना मिली। यहीं से उनकी गाड़ी चल पड़ी। 2009 में आई तेलुगु फिल्म मगधीरा काजल की फिल्मी करियर का टर्निंग पॉइंट था। मगधीरा उनके करियर की उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। ये मूवी हाईएस्ट ग्रोसिंग तेलुगु फिल्म ऑफ ऑल टाइम भी रह चुकी है। काजल ने बिजनेसमैन गौतम कीचलू के साथ पिछले साल 2020 में ब्याह रचाकर सबको चौंका दिया। काजल और गौतम की शादी की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। काजल ने अब तक अपने करियर में वृंदावनम, विवेगम, थुपुकी, सरदार कबर सिंह, मारी और सिंगम जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में बतौर लीड एक्ट्रेस काम कर चुकी है। सामंता एक्किनेनी साउथ में इतनी पॉपुलर है कि इन्हें साउथ इंडस्ट्री में अनक्राउड क्वीन ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म का टाइटल दिया गया है। साल 2010 में फिल्म ये माया चेस्वे से अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाली सामंता एक्किनेनी की अब हर एक साल कम से कम 3 या 4 फिल्में रिलीज होती है। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे और अभिनेता नागा चैतन्य से सामंता एक्किनेनी ने शादी की थी। सामंता और नागा चैतन्य की शादी पहले गोवा में हिंदू फिर क्रिश्चियन रीति रिवाज से हुई। इसके बाद उनके 2 रिसेप्शन चेन्नई और गोवा में हुए थे। शादी के बाद दोनों ने लगभग 40 दिनों तक हनीमून मनाया था। सामंता को उनके फैंस और दोस्त सेम कहकर बुलाते हैं। सामंता ने साकी नाम का अपना एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड शुरू किया है। सामंता ने अब तक अपने करियर में जनता ग्रेज, कथी, अतारिंती की देरी दी, डुकुटू जैसी पॉपुलर मूवीज में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया है।
और सामंता ने 2021 में आई अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज फैमिली मैन 2 से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। रकुल प्रीत सिंह। एक्ट्रेस रकुल प्रीत अपने ग्लैमर लुक और बोल्ड अवतार और उप्स मोमेंट के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरती रहती है। रकुल ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में कन्नड़ फिल्म गिल्ली और बॉलीवुड में डेब्यू मूवी यार यार से की थी और उसके बाद तेलुगु फिल्म में भी काम किया। रकुल तेलंगाना सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की ब्रांड एम्बेसडर भी थी। रकुल ने अब तक अपने करियर में खेराटम, सेरेनाइडू, किकटू, ध्रुवा, दे दे प्यार दे जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी है। त्रिशा कृष्णन। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस त्रिशा एक्ट्रेस बनने से पहले 1999 में मिस सेलम और साल 2001 में मिस मद्रास भी रह चुकी है। इसके अलावा उन्होंने ब्यूटीफुल स्माइल अवार्ड भी जीता था। त्रिशा ने अपने करियर की शुरुआत फाल्गुनी पाठक की म्यूजिक एल्बम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए से की थी। इस एल्बम के बाद पॉपुलर डायरेक्टर प्रिय दर्शन ने उन्हें अपनी फिल्म लेसा लेसा में कास्ट कर लिया था। त्रिशा ने अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड में भी फिल्म खट्टा मीठा से डेब्यू किया था। पर्सनल लाइफ की बात करें तो त्रिशा बाहुबली के बलाल देव यानी राणा तग्गुबत्ती को भी डेट कर चुकी है। त्रिशा ने अब तक अपने करियर में 96, कोडी, गिल्ली, सामी या नई अरिंदाल जैसी पॉपुलर मूवीज में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया है। साउथ की एक्ट्रेस नयनतारा को आज कौन नहीं जानता। नयनतारा को साउथ इंडस्ट्री में इतनी पॉपुलर है कि उन्हें फैंस एंड मीडिया ने लेडी सुपरस्टारों पर साउथ इंडियन सिनेमा का टाइटल तक दे दिया है। 33 साल की नयनतारा ने अपनी करियर की शुरुआत 2003 में आई मलयालम फिल्म मन सिनकारे से की थी। नयनतारा ने शाहरुख की फिल्म में काम करने से भी मना कर चुकी है। नयनतारा ने सुपरहिट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में आइटम सॉन्ग करने से मना कर दिया था। नयनतारा ने नानुम रावडीधान, चंद्रमुखी, पूतिया नियमम, वल इक्रम, जय सिम्बा जैसी फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म मैया में अपने किरदार से नयनतारा ने काफी सुर्खियां बटोरी। अनुष्का शेट्टी साउथ की सबसे महंगी हीरोइन है। फिल्म रुद्रमा देवी के लिए उन्हें 5 करोड़ की फीस दी गई और इतनी फीस पाने वाली अनुष्का शेट्टी साउथ की एकमात्र हीरोइन है। अनुष्का शेट्टी ने पहली बार फिल्म बिल्ला में अपनी खूबसूरत टोंड बॉडी में एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर दिखाई दी। इसके बाद जब यह मूवी रिलीज हुई तब अनुष्का काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। अनुष्का शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म सुपर से की थी। अनुष्का ने लक्ष्यम, सिंगम सीरीज, बाहुबली सीरीज जैसी फिल्मों में काम किया है। इन फिल्मों में अपने किरदार से अनुष्का ने काफी सुर्खियां बटोरी। 25 साल की इतनी कम उम्र में साउथ अभिनेत्री रश्मिका मंडाना ने इतने ही कम समय में ही साउथ की फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना लिया। रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। साल 2020 में गूगल ने रश्मिका को नेशनल क्रश का टाइटल दिया था जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी। रश्मिका मंडाना अपने स्टाइलिश और एक ग्लैमरस लुक को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। इसके साथ ही फैंस उनकी क्यूटनेस के भी दीवाने हैं। 2016 में कन्नड़ फिल्म क्रिक पार्टी से रश्मिका ने साउथ सिनेमा में कदम रखा। वहीं 2018 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म गीता गोविंदम से खूब नाम कमाया। इस फिल्म में रश्मिका के किरदार को खूब पसंद किया गया। वही फिल्म भी बड़ी हिट साबित हुई। रश्मिका ने अब तक अपने करियर में अंजनी पुत्रा, चमक, चालो, यजमान जैसी पॉपुलर मूवीज में बतौर लीड एक्ट्रेस काम किया है और बहुत ही जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। रश्मिका जल्द ही अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गुड बॉय और इसके साथ ही वे सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म मिशन मजनू में नजर आएगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलना।